our hearts beat to the city. गाड़ी बाइक के अंदर आ गया, बहुत बड़ा इशू। और इशू क्या है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है। कहीं इग्निशन वगैरह ऑन करते हैं तो ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ऑन हो गई ना तो इसका स्टार्ट होने का कोई इशू नहीं है। ये वाले बटन से ना कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें बिल्कुल भी, देखते हैं। तो गाइस देखा आपने, मैंने ये निकाल लिया बाइक और इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो इसकी पता नहीं कौन सी वायरिंग में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इग्निशन तो ऑन हो जाता है बट स्टार्ट नहीं हो रही है ये बटन से, और किक मारते हैं तो वो भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुझे इसको लेके चलना पड़ेगा शोरूम पर, इसके गैराज पर, सुजुकी के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पर, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि इसका क्या कुछ होता है। मुझे पैदल ही ये वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी, सो लेट अस सी क्या होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग माइल्स ऑन व्हील्स। आ चुके हैं हम सुजुकी के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पर, और यहाँ पर ये जो मेरे ब्रदर हैं बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, तो ये हमेशा जो है ना बाइक की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना मेरी सॉल्व करके देते हैं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे उसमें इनका नेचर सबसे अच्छा है। यहाँ पर भी उन्होंने एक बाइक खोली हुई है, ये आप देख सकते हैं, और ये साथ में है इनके, ठीक है। तो इनका नेचर ये है, और अभी इनको देखने वाले हैं, चेक करने वाले भी इसमें हुआ क्या है, ठीक है। और आई होप कि इनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लेट अस सी, मेरे तो इन्होंने निकलवा दिए पसीने, क्योंकि घर से लेके यहाँ तक मुझे इसको चला के लेके आना पड़ा, और अभी आई थिंक ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, हम भी पड़ जाते हैं, ये भी पड़ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब लेट अस सी कि होता क्या है, आई होप कोई बड़ा खर्चा इसमें ना निकले, छोटी मोटी वायरिंग का इशू होगा, वो ये ठीक कर देंगे। तो ये आपके सामने हो रही है चेक, ये मैंने केक वाला वर्जन इसीलिए लिया था कि कई बार बैटरी वैटरी का इशू हो जाए ना, तो स्टैंड हो, हाँ बिल्कुल है। इसमें मुझे लग रहा है कि वायरिंग का ही कोई ना कोई छोटा मोटा इशू है, और इन्होंने अभी तक प्लग वगैरह भी ये चेक कर रहे हैं, प्लग ठीक है कि नहीं है, करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, सारी चीज़ें। स्टार्टिंग इशू है, देखो हो जाता है कई बार ना, मशीनरी है तो कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर इनका, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सुजुकी फ्री सर्विस है, एमपी बहुत बढ़िया है, और अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सिर्फ ब्रांडेड व्हीकल्स, और ये इनका पूरा गैराज है देखो, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है अपना सेटिंग वगैरह करने के लिए, कस्टमर वेटिंग एरिया दिस इज़, एंड दीज आर द मॉड्यूल्स ऑफ सर्विस 1, 2, 3 एंड 4। 4 बाइक्स कैन बी रिपेयर्ड और बी मेंटेन्ड एट वंस, सिंगल टायर। और ये इनका गोडाउन एरिया है यहाँ पे, जहाँ पर ये सारा स्टोर वगैरह करते हैं, बहुत बढ़िया है। ये मैडम है यहाँ पर जो नहीं आई है, पहले नहीं थी, आज वो जो यहाँ पे भैया बैठते हैं ना वो कहीं पे गए हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे यहाँ के अलावा कहीं और लगता ही नहीं है। एक्चुअली इनके जो ऑनर है ना वो हमारे बहुत ही कह सकते हैं बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन है भारद्वाज जी, और हुआ ही हूँ था कि एक बार मैं वैसे ही उनके शोरूम पर विजिट करने चला गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कहा अंकल ये बाइक पसंद आई है तो कह रहे ले जा, और उन्होंने मुझे दे दी थी, तो बड़ा अच्छा लगा था, और तब से ये मेरे पास है भी। और टच वुड आज तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है, बट कल ही मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई है, एक बार पहले हुई थी तो मैंने आपको बताया था, वो भी छोटी मोटी वायरिंग इशू है, हो भी गई है स्टार्ट, देखो डायरेक्ट किया ना तो उन्होंने हो भी गई है।
इसके अंदर जो छोटा सा प्रॉब्लम था ना, कुछ ज़्यादा इशू नहीं था, बड़ा छोटा सा ही था, वो इन्होंने ठीक कर दिया है। आइए सर प्लीज़ एक बार, क्या नाम है आपका सर? रोहित। रोहित है एंड ही इज़ वेरी नाइस मैन, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने किया। और इनके साथ आपका नाम क्या सर? शुभम है। ये दोनों ना इतने बढ़िया इनकी जोड़ी है और बहुत परफेक्ट तरीके से। भाई आप लोगों का यदि कोई सुजुकी अगर आप ऑन करते हैं, कुछ भी करते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये आप जो है इनका गैराज ज़रूर विज़िट करें। ये मेरी तरफ से आपका रिकमेंडेशन रहेगा। ये दोनों भैया आप इनसे मिल सकते हैं, रोहित जी से मिल सकते हैं, और बाइक का सारा सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है। तो कस्टमर का कोई मतलब यहाँ किसी, मुझे तो आज तक कोई शिकायत हुई नहीं है, 4-5 साल हो गए, और इसका जितना भी सॉल्यूशन किया है इन दोनों ने किया है। कोई हमारे लिए मैं बोल देता हूँ, ये कुरुक्षेत्र का सबसे इकलौता और सबसे बेस्ट सर्विस स्टेशन है। यहाँ के ऑनर भारद्वाज जी हैं, जो मेरे अंकल हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने प्यार से बाइक मुझे दे दी थी। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर आएँ, और दोनों लग गए हैं अपने अपने काम पर, बाइक भी हमारी ठीक हो चुकी है, तो आप चलते हैं घर की ओर। थैंक यू वेरी मच। कुछ बातें घर पहुँच के करेंगे। करीब करीब बचे हैं 3:30 बजे, और देखो बाइक ना बिल्कुल ओके हो गई थी। ओके होने के बाद ना बिल्कुल थोड़े से इसमें तेल के छींटे वीटे से यहाँ पे पड़ गए हैं, बाकी बिल्कुल फंटेस्टिक हो गई थी, और मैंने धो भी दी थी, लेकिन इसकी अभी पॉलिशिंग वगैरह रहती है। अच्छे से धो दी थी मैंने वहाँ से ना, देखो शाइन हो गई पूरी, और छाया में खड़ी कर दी थी इस पेड़ के नीचे। तो अभी सारा दिन ये यहीं खड़ी है, शाम को इसकी पॉलिशिंग वगैरह कर देंगे, ठीक है। और मैं भी हो गया हूँ रेडी, और अब मैं निकाल रहा हूँ अपनी टाटा नैनो को, और एक गाड़ी में मुझे जाके आना है हॉस्पिटल, थोड़ा सा जनरल चेकअप वगैरह है, फैमिली मेंबर को बीमार है, तो वो करेंगे, चलिए इसको उठा देता हूँ। और वैसे मैंने इस पर भी पानी डाल दिया था, तो लेटर की बिल्कुल साफ़ सुथरी सी ही निकलेगी। गाड़ी बिल्कुल साफ है, और ये भी हम हटा देते हैं इसको, और अब हम चलने के लिए मैं गाड़ी में रेडी होकर आराम से बैठ चुका हूँ, और वेट कर रहा हूँ फैमिली मेंबर्स का, वो आ जाएंगे। छोटे भाई की एक्चुअली तबीयत सी थोड़ी ख़राब हो रखी थी, उसको थोड़ा फीवर वगैरह था, तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और उसको चेकअप करा लेता हूँ। बाइक तो मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और करीब करीब एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता हो गया लगभग के बाद, मैंने ये गाड़ी अपनी स्टार्ट की है। आज सोच रहा था कि इसको ना स्टार्ट क्या करके, मतलब शाम की वॉशिंग करते हैं इसकी अच्छी सी, बट दोपहर में ही मेरे को जाना पड़ा है, तो अब जाऊंगा वहाँ पे चेकअप वगैरह करा के वापस आऊँगा। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, वो मेरा बनेगा कि मैंने टाटा नैनो क्यों ली।